तो ये है कॉटन कैंडी मेकर, इसको हम लोग बुढ़ी का बाल भी बोलते हैं। तो चलिए मशीन खोल के दिखाते हैं आपको कि क्या क्या इसके अंदर होता है और कैसे बुढ़ी का बाल बनता है। तो बॉक्स को हमने खोल लिया, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सेट करते हैं। ये आगे मशीन हमारा, इसको हम लोग सेट करते हैं, आपको कॉटन कैंडी बना कर दिखाते हैं। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये तीन टो वैक्यूम दिया हुआ है, अच्छे से यहाँ चिपक जाता है, चिंता नहीं है। यहाँ पे हम इसको सेट कर दिया, अभी बाकी चीज़ ये दिया हुआ है कुछ प्लास्टिक का, तो इसको इसमें लगा के ऐसे करना पड़ता है। इसको हमने पहले भी यूज किया हुआ है तो हमको पता है कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पे कुछ गंदा हुआ है क्योंकि हमने पहले से यूज किया था, इसको बहुत ही बढ़िया बना था, आज भी खाने का मन कर रहा था, तो हमने सोचा कि आपको भी वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि इसे कैसे बनता है कॉटन कैंडी। तो इसको ऊपर वाले को लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे हुक इसका ये दिया हुआ लग गया है अभी, और यहाँ पे ये दिया हुआ लगाने के लिए कुछ, तो यहाँ पे यहाँ लगता ही है, तो लग गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग पावर से कनेक्ट करते हैं, उसे चलाएंगे। यहाँ पे पावर दे दिया, इसको ऑन करते हैं, और देखिए यहाँ पे इसका स्विच वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए। इसको ऑन कर देंगे तो ये देखिए चलने लगा, इसको अभी बंद करते हैं। कॉटन कैंडी बनाने के लिए देखिए यहाँ बहुत सारा स्टिक दिया हुआ है जिससे हम लोग को इकट्ठा करना होता है जब कॉटन कैंडी बनेगा, तो हमने ले लिया इसको, बाकी सबको सेट करते हैं, इनको निकाल लिया। इसमें चीनी डालना होता है, उसके लिए यहाँ पे इसका चम्मच दिया हुआ है, अपना चम्मच डाल सकते हैं, चाहे इसका चम्मच डाल सकते हैं, इसके साथ ही आता है। तो एक चम्मच इसके अंदर भर के चीनी डाल देंगे पूरा, और चीनी डाल के और मशीन को यहाँ से हम चालू कर देंगे, और ये घूमने लगेगा मात्र आधा मिनट के बाद इसमें से कॉटन कैंडी निकलना चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा हीट गर्म होने देते हैं इसको, नीचे यहाँ हीटर चल रहा है तो गर्म होता है, उसके चारों तरफ से कॉटन कैंडी निकलता है। ये देखिए आधा मिनट का हुआ, यहाँ से कॉटन कैंडी बाहर निकलना शुरू हो गया है। देखिए सबको इकट्ठा करना होगा इसको, स्टिक में ऐसे घुमाते जाएंगे तो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। देखिए कितना पतला पतला रेसा जैसा निकल रहा है, इसको अच्छे से इकट्ठा नहीं कीजिएगा तो फिर इसी में खराब हो जाएगा और चिपक जाएगा। इसको पूरा इकट्ठा कर लेंगे हम, एक चम्मच में दिखाते हैं कि कितना कॉटन कैंडी निकलता है। एक चम्मच में डाला था, देखिए कितना फास्ट निकलना शुरू हो गया है। दूसरा सीख लेते हैं, देखिए एक चम्मच में कितना ज्यादा निकल गया है। एक और स्टिक ये करते हैं, दो स्टिक हमारा भर चुका है। देखिए तीसरा स्टिक भी भरने वाला है, एक और स्टिक निकालते हैं। मात्र एक चम्मच चीनी में देखिए कितना ज्यादा बनता है कॉटन कैंडी, अब देखिए निकलना बंद हो चुका है। तो मशीन को हम बंद कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि एक चम्मच में कितना निकला है। तो ये निकला है, एक ये निकला है, एक ये निकला है, इतना एक चम्मच चीनी में। ये चीनी से ही बनता है, बहुत सारे देखे होंगे आप लोग इसमें पैकेट में बेचते हैं 10 रुपया 20 रुपया में, इसको तो बहुत ही आप सस्ता में बना सकते हैं। मात्र एक चम्मच चीनी में इतना ज्यादा कॉटन कैंडी बना लिए हैं, इसे आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कैसा लगता है। देखिए वो एकदम रेसा जैसा है, इसको आराम से तोड़ के इसको खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बताइएगा। ये मशीन अगर खरीदना चाहते हैं आप तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिए हुए हैं, तो वहां से आप क्लिक कर खरीद लीजिएगा। बहुत ही काम का चीज़ है, बच्चे लोग तो इसको बहुत ही पसंद करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, हम जब मन करता है इसको बनाने के लिए तो मशीन निकालते बनाते और खा लेते हैं। और भी बनाएंगे, अभी इससे तो कुछ नहीं होगा, और भी बनाएंगे, पूरा बच्चे लोग बांटेंगे। देखिए आप बात करते करते हमने पूरा इसको फिनिश भी कर दिया, खा भी गए, इतना अच्छा लग रहा है। जरूर खरीदिएगा आप बच्चों के लिए। वीडियो देखने का धन्यवाद, मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।